क्रोध आक्रोश असहिष्णुता आ प्रतिशोध मनुष्य को अंध बनाई दिए। दुनिया आलुओ भितर भी से अपराधर अंधार को देखे केवे भी केउठारे केउ मुहूर्तरे निज हीन उद्देश्य को चरितार्थ करने से केवल सुजोग खोजुए आउ थे मौका पाईगले घटाई दिए जघन्य कांड जहाँ खेलाई दिए चांचल्य आउ पलटि जाए खबर। नमस्कार, अपराध आउ अपराधी चार्जसीट को पुणि थे आपण को स्वागत करुच्छी मु सरोज पट्टनायक। आज चार्जसीट में किसी आलोड़न सृष्टिकारी तथा चर्चित अपराधिक घटनार पूरा बास्तवता जाणी जड़े हताश प्रेमिकर प्रतिशोध के भयंकर हो पाए निज बिवाहिता प्रेमिका ठारु प्रतिशोध नेबापी विफल प्रेमिक केमिति पठाई मृत्युर उपहार तार लोम टाकुरा कहानी कहबू आज एपिसोड। यह छड़ा राज्य में माति किसी चालबाज ठकों ठकईर कारनामा भी जाणी जड़े स्टेट बैंक अधिकारी कहीं बांधिला पुलिस एवं बैंक बाबू केमिति बाड़ हो फसल खाऊ तार पूरा बरणी देवु आज एपिसोड। तेज चलतु चार्जसीटर फास्ट पेज खोलिबा एक चांचल्यकर हत्याकांड घटना खेल केमिति काल और खेल पड़िया कहीं गड़ा मुंड पछर पूरा सत जानतु आमर प्रथम क्राइम स्टोरी। खेल पलटिगला काल रक्ताक्त तो है खेल पड़िया क्रिकेट खेल कली बड़ी पड़गले जड़े युवक क्रिकेट टूर्णामेंट चलता बेले पड़िया भितर घटी अघटन अंपायर भूल निष्पत्ति अभियोग प्रथम अंपायर को है माड़ अंपायर को बचाईवाक जा छुरा माड़े चलीगला आयोजक कमिटी सदस्य जीवन कटक चौदवार मईसीआल लंडा ठारे घटी एक घटना समग्र राज्य में चांचल्य खेल पुलिस अभियुक्त को गिरफ्त करता बेले एभली दुखद घटना समस्त को स्तब्ध कर स्थानीय अंचल उत्तेजना जो व्यापक पुलिस मुतयन कर तेरे कौन पर खेल पड़िया संघर्ष आत्याकांड क्षणिकर आक्रोश आ प्रतिशोध कहीं नहींगला गोटे निष्पाप जीवन देखु यह रिपोर्ट। झिमिटी खेलू महाभारत क्रिकेट खेलू होगला हत्याकांड एक चांचल्यकर घटना घटी कटक चौदवार महिषा लंडा पंचायत हत्याकांड पुणि अति विभत्स पड़िया मझीरे मैच आयोजन कमिटर सदस्य को काबू कर सर्वसम्मुखे छुरा माड़ कर हत्या करागला। मृत युवकों नाम लकी राउत और से मैच आयोजक जमापड़ छुरामाड़ पर राग शांत हैलानी आहत लकी मुंड को ब्याट्रे आक्रमण करने को पछाई नथिले अभियुक्त गुरुतर आहत अवस्था लकी को प्रथम स्थानीय एक हस्पिटाल और पर एसीबी स्थानांतर कर जोटी मृत घोषणा करते डाक्तर यह घटना पर छुरामाड़ कर स्मृतिरंजन राउत फेरार होता बेले जगा राउत नामक जड़े युवक को पुलिस गिरफ्त कर मुगुनी राउत आउ जगा राउत से दुज मो भाई की धरले धरला मुगुनी राउत ताकु धरला स्मृतिरंजन राउत ताकु छुरामाड़ कला छुरामाड़ कर सारापर जगा राउत नामक पिलाटी ता मुंड को पछरे ब्याट्रे पिटीदेला यापर भाई सांगे सांगे तले पड़गले। आज्ञा ये कौ खेल चलता आम तो आसी देखिली कौन आम गोटे पिले लकी बेली पिला को ब्रह्मपुर से कौन चगला भाई मुगुनी आ गए पिला किए आसी दुज छुरा आ ब्याट्रे कौन बाड़ाबाड़ी करी शीघ्र इंजरी कर घटनाटी घटी कि चौदवार थाना अंतर्गत महिंसा लंडा गाँव में रविवार क्रिकेट टूर्णामेंट चली स्थानीय अंचल दुईट गाँ ब्रह्मपुर और शंकरपुर टीम परस्पर मैच खेलुले खेल चलुवा बेले अंपायर प्रीतिरंजन सामल भूल निष्पत्ति अभियोग होता आ पड़िया बाहर जगा राउत नामक जड़े अणखेला पड़िया को आसी अंपायर प्रीतिरंजन को माड़ मारी से मुख्य अभियुक्त स्मृतिरंजन पहुंची एक धारुआ छुरी से मईंसा लंडा गाँव रकी राउत को छुरी से आक्रमण करते घटना भिहवा पर स्मृतिरंजन से फेरार होता बेले जगा को स्थानीय लोके काबू कर पुलिस रे जिमा देखते गोटे मर्डर होती गोटे यंग पिलाटा गोटे बहुत कम एज्र पिलाटा जार फ्यूचर अच्छी तार अकाल मृत्यु होती तेणु आम ये मैटर कौन सी पॉलिटिकल मैटर से किसी ना ये गोटे जगार सडन प्रोवोकेशन अच्छी सडन प्रोवोकेशन ही घटनाटा घटी तेणु आम यू अति सीरीयसली नौ घटना पर स्थानीय अंचल चांचल्य खेली जा कटकु नवेश महांती न्यूज 18 ओडिया। क्रिकेट खेल को नहीं चौदवार घटी हत्याकांड घटन शेषे धरा पड़े समस्त चार अभियुक्त बड़ कथा अभियुक्त मध्य दुईज कलेज छात्र सामिल थे आउ जड़े मुख्य अभियुक्त ना पूर्व अनेक अपराधिक मामला रही जमापड़ अभियुक्त मान विरोध में पुलिस मामला रुजु करता बेले
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ କୌଣସି ପୂର୍ବ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ହଠାତ୍ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା କହିଥିଲେ କଟକ ଡିସି। ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ସାମାନ୍ୟ କଳି ସାଜିଥିଲା ଘାତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅକାଳରେ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଜୀବନ। ଗିରଫ ହେଲେ ଚୌଦ୍ୱାରରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ସମୟରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାର ସମସ୍ତ ଚାରିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସେମାନେ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ସଂଗ୍ରାମ ରାଉତ, ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଏବଂ ବାଦଲ କୈବତର। ଚୌଦ୍ୱାର ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ରାଉତ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ରାଉତ କଲେଜ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ଚୌଦ୍ୱାର କଲେଜର ଯୁକ୍ତ ତିନିର ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ ITI ଛାତ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଓରଫ ମୁଗୁନି ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ତଦନ୍ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଠିକ୍ ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ତାହେଲେ ମିଳୁ, କାରଣ ଇଏ ପୁଣି ଯଦି ବାହାରିଯିବେ ଆଙ୍କୁ ପୁରା ମାନେ ଏମିତି ଆଜୀବନ କାରଣ ହୋଇଯାଉ, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମାନେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଲୋକ। ଯେହେତୁ ଇଏ ବାହାର ପିଲାଟା କାହିଁ ଆସି ପିଲା ଠେଲା କରିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସେ ତାକୁ କରିଦେଲେ ଯେ ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲା ଠେଲା ଆସି କଲା। ସେ ଆସିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ନ ବୁଝି ଛୁରୀ ବାହାର କଲା, ପୁରା ମାରିଦେଲା। ତାପରେ ଜଗା ଦାସ ପିଲାଟି ଯିଏ ପଛପଟୁ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଧରି, ମୋ ଭାଇର ପେଠି ଗୋଟେ ବାହାର ମାରିଛି, ଅଣ୍ଟା ଗୋଟେ ବାହାର ମାରିଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିବା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏହି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଚାରିଜଣ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଜଗା, ସ୍ମୃତି ଆଲିଆସ୍ ମୁନା, ସଞ୍ଜୟ ଆଲିଆସ୍ ମୁଗୁନି ଏବଂ ବାଦଲ, ସମସ୍ତ ଯାକ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ରାମର ଯୁବକ, ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ୟୁଥ୍, ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଯୁବକମାନେ। କଟକରୁ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପ୍ରତିଶୋଧର ପରିଣାମ କେତେ ସାଂଘାତିକ ହୋଇପାରେ ତାହା ଆପଣ କେବେ ଭାବିପାରିବେ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ଜଣେ ହତାଶ ପ୍ରେମିକ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ପିଶାଲ। ନିଜ ବିବାହିତା ପ୍ରେମିକାଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ରଚିଥିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ପ୍ରେମିକା ଓ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ପାର୍ସଲ ବୋମା, ପଠାଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁର ଉପହାର। ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଖଞ୍ଜି ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ପରେ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଉପହାର। ଉପହାର ଖୋଲି ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ, ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ କବୀରଧାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଘଟିତ ଏହି ଅପରାଧ ପୋଲିସର ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାର୍ସଲ ବମ୍ର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଜାଗର କରିଛି ଏହି ଲୁମଟାଙ୍କୁରା ଅପରାଧ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପାଟନାଗଡ଼ ପାର୍ସଲ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଭଳି ଘଟଣା, ପ୍ରେମିକାର ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ ହେବାରୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲା ପ୍ରେମିକ, ଗିଫ୍ଟ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଖଞ୍ଜି ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଦେଲା ଉପହାର। ଉପହାର ଖୋଲିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଦେଢ଼ଶୁର, 4 ଗୁରୁତର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୁବକଙ୍କୁ, ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ଯୁବକ ଯେଉଁ କାରନାମା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ସିତେଇଯିବ। ନା ସଞ୍ଜୁ ମର୍କବ, ଘର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଛପଲା ଜିଲ୍ଲାର ବାଲାଘାଟ ଗାଁ। ପେଶାରେ ସଞ୍ଜୁ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମେକାନିକ, ନିଜ ଗାଁର ଲଳିତା ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସଞ୍ଜୁ, କିନ୍ତୁ ଲଳିତାଙ୍କ ବିବାହ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ କବୀରଧାମ ଜିଲ୍ଲା ଚମାରି ଗାଁର ହେମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ରାଗରେ ଜଳୁଥିଲା ସଞ୍ଜୁ। 5 ଦିନ ତଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖରେ ବାଲାଘାଟ ଗାଁରେ ଲଳିତା ଓ ହେମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରେମିକା ଓ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲା ସଞ୍ଜୁ। ବଜାରରୁ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ କିଣି ତା ଭିତରେ ଖଞ୍ଜିଥିଲା ପ୍ରାଣଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରକ, ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରି ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ନେଇ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପହାର ଦେଇଥିଲା ସଞ୍ଜୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଚତୁର୍ଥୀ ଭୋଜି ସରିବା ପରେ ସେହି ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକ୍ ଖୋଲି ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମକୁ କରେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ହେମେନ୍ଦ୍ର। ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହେବା କ୍ଷଣି ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମରୁ ହୋଇଥିଲା
ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ହେମେନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଚାରିଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। 30 तारीख को ही एक इसका परचेस किया गया सोनी का साउंड सिस्टम और घर ले जाकर के इसके द्वारा पहले से कुछ रखा था अमोनियम नाइट्रेट उसको उसमें पेट्रोल मिला करके और बारूद का मिलाकर मिश्रण मिला करके पूरा एक होम थिएटर था उसको बम के स्वरूप में कन्वर्ट किया गया। सप्लाई के लिए पावर सोर्स इलेक्ट्रिक का उपयोग किया गया। देखन तो पार्सल बमा विस्फोरण तीव्रता कितने थी ला उड़ी जाई छे हेमेन्द्रंक घर सबकिछि होई जाई छे छिन छत्र एपड़े हॉस्पिटल रे गुरुतर अवस्था चिकित्सित होती मृत हेमेन्द्रंक चारिजन साथी और संपर्कीय पार्सल बोमा विस्फोरण नहीं सबू सत मानी जाइए गिरफ अभियुक्त संजो प्रेमिका और प्रेमिका स्वामी को क्षति पहुंचाइबा से साउंड सिस्टम भितर विस्फोरक खंजी कथा स्वीकार कर आरोपी के टारगेट में दुल्हा और दुल्हन दोनों थे या घर का कोई भी सदस्य हो सकता था पर मुख्य तौर पर ये दो थे जिसके तहत में अपने योजनाबद्ध तरीके से उसको साउंड सिस्टम में बॉक्स में उसको विस्फोटक तैयार किया गया और उसको खुद ही ले जा करके शादी के मंडप के पास में छोड़ करके आया था। 2018 फरवरी 23 रे बलांगीर जिला पाटनागढ़ संगठित होइतिला समान धरणर अपराध भईसा कलेजर तत्कालीन अध्यापक पुंजीलाल मेहर से ही कलेजर तत्कालीन अध्यक्षा संयुक्त साहू प्रतिशोध नेबा घर को पठाई पार्सल बोमा जो पार्सल खोलिबा बेले होइतिला बड़ धरणर विस्फोरण आ प्राण हरैथिले संयुक्ता नवविवाहित पुओ सौम्य शेखर और सौम्य संपर्क जेजेमा पुंजीलाल को गिरफ्त कर जेल पठाइथिला परे मालकानगिरी महेन्द्र पाणिग्राही न्यूज 18 ओडिया। रातारति बड़ लोक हेबार अभिलाषा पुड़ा पुड़ा टंका कमाइबार दुर्बार इच्छा कम परिश्रम अधिक रोजगार करिबार शॉर्टकट फॉर्मूला हेले सबु आशा अभिलाषा आउ योजना धूलिसात होइगला शेषे टंका हड़प अभियोग बंदा हेले स्टेट बैंकर डेपुटी मैनेजर जाल कागजपत्र जरिया 8,01,00,000 टंका हड़प अभियोग फुलवाणी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रो डेपुटी मैनेजर आशुतोष आचार्य को गिरफ्त कला क्राइम ब्रांच ईओडब्ल्यू जाल कागजपत्र जरिया 85 जन नाम से टंका हड़प कर जमापड़ बैंक बाबू कला कारनामा जमापड़ा पर चांचल खेली जाए तेज केमी जालियादि करुते डेपुटी मैनेजर बाबू का ना ऋण मंजूर कर टंका हड़प करते ठक डेपुटी मैनेजर बाबू को कारनामार संपूर्ण सत जानतु एही रिपोर्ट भूत ना रे ऋण ठकई अभियोग रे बैंक अधिकारी गिरफ एसबीआई डेपुटी मैनेजर गिरफ गिरफ कला क्राइम ब्रांच ईओडब्ल्यू एउचंती आशुतोष आचार्य फुलवाणी एसबीआई ब्रांच रो डेपुटी मैनेजर तथा फील्ड अफिसर 8,01,00,000 टंका हड़प करबा अभियोग रे आशुतोष को गिरफ कला ईओडब्ल्यू सांबादिक सम्मेलन में ईओडब्ल्यू एसपी कहते आशुतोष बेआईन भाव में 69 एक्सप्रेस क्रेडिट लोन अनुमति देते नियम अनुजाई यह लोन सरकारी चाकरी करथिबा व्यक्ति को दि जाए हेले जाल कागजपत्र जरिया ये सब ऋण को हड़प करते आशुतोष से 26 पेंशन ऋण देते आशुतोष जो मैंने पेंशन पाइबा योग्य नुहति से नाम टंका हड़प करते ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପେନ୍ସନ୍ ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ପେନ୍ସନ୍ ଲୋନ୍ ସେ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଫର୍ଜ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ଜ ସାଲେରୀ ସ୍ଲିପ୍ ଫେକ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରି ଏଇ ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ 85 ଲୋନ୍ 8,01,00,000 ଟଙ୍କା ଅଟୋମେଟିକ ତାକୁ ମିସ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଡିଫାଲ୍କେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି 69 ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଋଣ ପାଇଁ 6,77,30,000 ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ସେହିପରି
26 पेंशन लोन पाई 982,000 टंका सांक्शन करथिले। ऑडिट बेले हड़प टंका सामनाकु आसिबा परे ईओडब्ल्यू पाखरे ब्यांक कर्तृपक्ष अभियोग करथिले। सेपटे गिरफ परे तांको एसटीजेएम कोर्टरे हाजर करा दैछि। 8,01,87,000 टंका हेज बोली से कंप्लेन देथिले, सेतिरु किछि रिकवरी हला। आउ 6,88,98,000 टंका रिकवर करिया बाकी अछि। 14 डेज से रिमांड रे जिबे, तापरे से इन्वेस्टिगेशन आरंभ हबो। आउ ता जाना पड़ो जे के भीतर अछ सब। तांको बेल ले दिया जाउ बोली आमे आज अप्लाई करछु। जो सेक्शन लागिछि एवं जतिके टंका रो ये अछि, तनु किछ ला किछ कहि हबनी। बेल मिलबाटा टिके कष्टकर प्रश्न उठुछि, केबेठरु एभळी उपायरे टंका हडप करुथले आशुतोष? ब्यांकर अन्य कोनोसी अधिकारी एकथा जानिथिले कि नाही? अन्य अधिकारीको भूमिकाकु नै तदन्त करिवो कि ओडब्ल्यू ठकै टंका केउठी विनियोग करिछन्ति आशुतोष? ए सबुर तदन्त चलिछि। फुलबाणीरु बालकृष्ण चर्चि, भुवनेश्वर क्यामेराम्यान चितन स्वाईंक सह दीपक सामल, न्यूज 18 ओडिया। विगत किछि वर्ष तळे राज्यरे चिटफंड ठकै आलोडन खेळाइथिबा बेले एबे पूर्ण ऑनलाइन चिटफंड जालरे पड़ि जाइछन्ति अनेक जमाकारी। अधिक टंका पाइबा लोभरे हराउछन्ति कोटि कोटि टंका। यूट्यूब रे ठकंकर मधुर ओ विश्वासयोग्य कथार जालरे पड़ि ठकैर शिकार होइछन्ति। एभळी ऑनलाइन ठक संस्थार मुख्यकु निकटरे गिरफ करिछि क्राइम ब्रांच अर्थनैतिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू। सारा राज्यरु 144 कोटि टंका ठकिबा अभियोगरे पुणे मंडुआ थाना अंचलर विशाल सखराम भत्करंकु गिरफ करिछि तदंतकारी टीम। राज्य बाहर रही ऑनलाइन रे लोकंकु अति चतुरतार सहित ठकी चलीला एक चालाक चिटफंड ठक। तेबे किभळि चलीला ठकर ऑनलाइन ठकै देखिबा ए रिपोर्ट। चिटफंड ठकर व्हाट्सएप ग्रुप ऑनलाइन रे चलाउथुला ठक संस्था। यूट्यूब रे कहुथुला मीठा मीठा कथा, जमाकारी माइंड वाश करुथुला, ठकै टंकारे करुथुला समाज सेवा। ए हेउछि विशाल सेखराम उत्कर, घर महाराष्ट्र पुणे मंडुआ थाना अंचल रे। शनिवार विशाल को गिरफ करिछि क्राइम ब्रांच रो अर्थनैतिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू। ईओडब्ल्यू एसपी कहिछन्ति ठक विशाल गूगल प्ले स्टोर जरिया रे गेटसो नामक एक आप इंस्टॉल करथिला। विभिन्न लोकंकु नै एक व्हाट्सएप ग्रुप करथिला। किबळी अल्प दिन रे कोटिपति हेबे से नै लोकंकु बुझाउथिला। गेटसो आप को इंस्टॉल करबा सह डिजिटल पेमेंट करबाकु प्रवर्ताउथिले। नुआपल्ली अंचल रो जने युवक 1,27,000 टंका विनियोग करबा परे टंका पाइ नथिले, तेणु ईओडब्ल्यू रे अभियोग करबा परे रैकेटर पर्दाफाश करिछि तदंतकारी टीम। विशाल सखाराम उत्कर नामक जनक लोक जहाँ घर हूँ लाटूर महाराष्ट्र लाटूर जिले में, किंतु आम मंडुआ पुलिस स्टेशन अंडर गत 23 तारीख दिन गिरफ्त करूँ एवं गिरफ्त पर स्थानीय जेएमएफ सिंह कोर्टे आखिज प्रडक्शन पर आम ट्रांजिट रिमांड में भुवनेश्वर आनलु। आम भुवनेश्वर आनी आम ओपीआईडी कोर्ट कटक मान्यवर अदालत कल प्रडक्शन करूँ। तदंत बेले जनापड़ी संस्था सारा देश 144 कोटी टंका जमाकारी ठकी नहीं। आम राज्यु 100 अधिक लोक संस्था चून मार्थिवा जनापड़ी। अभियुक्त विशाल गिरफ्त तार गोटे आकाउंट्रु 9 कोटी टंका ठाब हो। संस्था क्रिप्टो माइनिंग रे टंका लगाइबा सह प्रतिदिन 6% सुधरे टंका मिलिबार लोभ एवं जेकोनोसी समय रे टंका उठाण करिपारिबे बोली लोकंकु लोभ देखाउथिला। गेट शो आप बंद होइगला परे सत सामना को आछि। बर्तन सुधा आमे 144 कोटी टंका एमएतरे स्कैम हिजु बोली आमे ताकु ट्रेस करिछु एवं बहुत गुडे अकाउंट थ्रोरे पैसा जाइछि। वर्तमान जो अकाउंट आमर जो विशाल उत्कार उत्कार जो अकाउंट से गोटे अकाउंट केवल आम 9 कोटी टकर सन्धान पाइजु। ताक आहरी 7 अकाउंट अच्छे। क्रिप्टो माइनिंग और क्रिप्टो ना बहुत ठकई होमती टाइप बहुत सारा केसेस आम पाखे भी आसचे, विच इज स्टिल अंडर इनक्वारी स्टेज। जो यूपी आई डी थ्रु आम गलु को आई डी सहित को बैंक अकाउंट लिंक अच्छी तेल जो एक्यूज धरा पड़ी अकाउंट ही फाइंड है, देख लु कि 9 कोटी ट्रांजाक्शन।
सोमवार विशाल सखाराम उत्कर को कोर्टे हाजर कर रिमांड आने को योजना करी तदंतकारी टीम सेपटे ही राकेट्रे आउ के अच्छा से नहीं अधिक तदंत चली। भुवनेश्वर दीपक सामल न्यूज 18 ओडिया। रेल स्टेशन प्लाटफर्म भितर को पशिगला कार अधघंटा धरी ट्रेन ट्राक उपरे झुली रहिला आउ कार भितर थिले निसारे टळमळ युवक युवती। सौभाग्यवशतः कौनसी दुर्घटना घटिनाइ। स्थानीय लोके मिसि कार सहित युवक युवती को करथिले उधार। अन्य केउ अजणा इलाका नुहे बरो खोद राजधानी भुवनेश्वर व्यस्त बहुल रेल स्टेशन रे घटिछि एपरि घटना। स्टेशन सुरक्षा व्यवस्थार नग्न चित्र पुणि थरे सामना को आसिछि। एपटे राजधानी निशाशक्त युवक गोष्ठी आउ एक बास्तव चित्र दर्शाई एपरि अभावनीय घटना। एने रेलवे पुलिस पक्षर तदंत कर उधार होता निशाग्रस्त युवक को गिरफ्त करने से जमिन में मुकुलिंट तेज कौन थी पूरा घटना देखते ये रिपोर्ट। निशाशक्त युवकर उन्मुक्त कांड निशारे भूलीगले घर रास्ता घर बदल प्लाटफर्म भितर को नहींगले कार अध घंटा धरी ट्रेन ट्राक उपरे झुली रहिला कार गाड़ी भितर बाहर निशाशक्त युवक युवती अल्प के बर्तिगला बड़ धरणर अघटन। टिके भलरे देखंतु ए चित्र को ए हेउची भुवनेश्वर रेल स्टेशन रो प्लाटफर्म नंबर 1 रो दृश्य। गत 31 तारीख विलंबित रातिर घटना निशारे चूर होई युवक जनक कार को माछ गेट दे प्लाटफर्म भितर को ले आस्थिले। एमिति कि रेलवे ट्रैक उपरे प्राय अध घंटा धरी कार झुली रहथिला। स्थानीय लोक माने कार को उद्धार करिबा सह गाड़ी भितर जणे युवक और युवती को उद्धार करते उभय निशारे टलमल होते एपरिक से गाड़ी मद बोतल बाहर थिबा जना पड़ी। जो मैंने स्थानीय लोक मैंने थिले सेमाने कार को उठाया सहित युवक युवती को उद्धार करते कार भितर मिलता मद बोतल। ए घटना को नहीं कौटिना कौटि अनेक किसी प्रश्न एवं सामना को आसुची केमिति कार टी ट्रेन ट्रैक पर आसला ताकू नहीं मध्य तदंत कर आरपीएफ सेपट आस भर से गलैले सेठ आस विपरास गलैदे सी कौन भाविक आसे तो लगुला कौन कथ बाबू कौन निशावस्था आँ भाव कौन आसपार निशावस्था आसजन गोटे गोटे निशाशक्त अवस्था थी युवक जनक बालुगा नुआ साहिर संबित स्थित प्रज्ञा राउत से जड़े ब्यांक कर्मचारी बोली जमापड़ी। विभिन्न दफा लगाई संबित को गिरफ करा जामिन मिलता आरपीएफ आईआईसी कहते सेपटे घटना को रेलवे गुरुतर सह नेवासह विभाग तदंत आरंभ हो। रेलवे खोर्धा डिविजन आसीस्टांट सिक्यूरीटी अफिसर करुछंती तदंत काहीकि ओ केउं परिस्थिति रे सुरक्षा कवच डे कार्टी स्टेशन भितर को प्रवेश कला से नहीं चली तदंत एथिपाई पार्सल अधिकारी और कमर्सील अधिकारी पचराउचरा कर सीज करापर तांको पचरा उचरा कला से कहले एमती मु निशा मु कबे पीहने आ जतले हेछि मु आउट ऑफ कंट्रोल अल्प टिके पीथिली आ सेतरे मु जानि पालेनी आ मोर भूल हेछि काहेना सेटा हमर एक्चुअली पार्सल गाड़ी गुडा को दुनिया गाड़ी आसे पार्सल लोडिंग अनलोडिंग चले किंतु ए जेहेतु वर्तमान पोजिशन टा आसी वी आर सीरियसली थिंकिंग ऑफ लॉकिंग द गेट अंडर द चार्ज ऑफ मैटर। आई हैव बीन ऑर्डर्ड बाय माय कंप्लेंट अथॉरिटी टू कॉज inquiry in details into the matter and I am conducting inquiry in details. If any irregularities public lapses found from the security side then responsibility will be fixed up accordingly for further course of action. गत 31 तारीख राति प्राय 1:30 समय रे एही घटना घटिछि। एबे भुवनेश्वर रो स्टेशन सुरक्षा कुनै प्रश्नवाची सृष्टि होछि। राति रे काहेकि फिस गेट बन्द नथिला कौन करुथिले सुरक्षाकर्मी राति रे रेल स्टेशन रे सुरक्षाकर्मी मुतयन हेउछंती ना नाही तबे ही घटना परे आगो को किभळी सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जाउछि ताहा उपरे समस्त नजर।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁଶ୍ରୀ ସୁଲୋଚନା ନାୟକଙ୍କ ସହ ଦୀପକ ସାମଲ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଅପରାଧର ନଥାଏ କାଳ କି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆଉ ଅପରାଧୀର ନଥାଏ ଜାତି, ଧର୍ମ କିମ୍ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। କାରଣ ଅପରାଧୀର ଏକମାତ୍ର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଅପରାଧ। ସ୍ୱାର୍ଥ, ଅର୍ଥ, ଲୋଭ ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧ ମଣିଷକୁ ଅବାଟକୁ ନେଇଯାଏ। ପାପ, ପୁଣ୍ୟ ବା ଭୁଲ ଠିକ୍ର ବିଚାର ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନିଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରେ ନା ଯେ ତାର କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଶାସ୍ତି ତ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଚାର୍ଜସିଟ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।